तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए बहुत बहुत कुछ है, जरूर से वीडियो पूरा देखिएगा। एक तो इस वीडियो में आपको अमेजोन पे जो सेल आने वाली है वो बिल्कुल फिक्स डेट उसकी बताने वाला हूँ, जी बिल्कुल कंफर्म डेट बताने वाला हूँ। तो अमेजोन पे जो ये फोन है वो आप काफी अच्छे डिस्काउंट में इनको आप बाय कर पाएंगे। और दोस्तों जुलाई के मंथ में कुछ ऐसे फोन लॉन्च हो रहे हैं जो कि पूरी तरह से गेम चेंज कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल से गेम चेंज करने वाले फोन लॉन्च हो रहे हैं। शाओमी और रियलमी की तरफ से बजट प्राइस में दो फोन लॉन्च हो रहे हैं जुलाई में, रेडमी नोट 9, रियलमी 6S। इन पे मैंने दिन में वीडियो बनाया हुआ है, इनके लॉन्च डेट और प्राइस मैंने सब कुछ उस वीडियो में बताया है। एंड स्क्रीन में और आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद में जरूर से देखिएगा। यह आपको बता दूं, OnePlus Z1X 5G फोन है जिसमें स्नैपड्रैगन का 765G का प्रोसेसर है। ये चाइना में लॉन्च हो गया है मात्र 17,000 रुपए की प्राइस में। स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर के साथ 5G फोन है, सिर्फ 17,000 की प्राइस में चाइना में लॉन्च हुआ है। जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाला, और इंडिया में भी ये 17,000 की प्राइस में ही शायद से लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको 6.5 इंच का एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। ट्रिपल रियर कैमरा है जिसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। IQ Z1X 5G फोन को देखते हुए, उसकी प्राइस को देखते हुए, OnePlus Nord का लग रहा है कि 25,000 से कम की प्राइस में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि IQ Z1X 5G जिसमें अच्छा प्रोसेसर है, 5G फोन है, सिर्फ 17,000 की प्राइस में लॉन्च होने वाला है इंडिया में। तो OnePlus Nord नहीं लगता कि 25,000 से ज्यादा की प्राइस में लॉन्च होगा, शायद से 25,000 या उससे कम की प्राइस में लॉन्च हो सकता है। OnePlus Nord में कंफर्म हो गया कि एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। फिर भी 25,000 के प्राइस में लॉन्च होता है तो अच्छा फोन है, उससे ऊपर की प्राइस में शायद से लॉन्च नहीं होगा। और दोस्तों अगर आपका बजट बहुत कम है, आप पहली बार कोई फोन ले रहे हैं, तो Realme C11 14 जुलाई को लॉन्च हो रहा है, सिर्फ 6,000 से 7,000 के बीच में इसकी प्राइस होगी। इसमें मीडियाटेक का हेलियो G35 का प्रोसेसर है जो इसकी प्राइस के हिसाब से बिल्कुल सही है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी भी है, 13+2 MP का रियर कैमरा है, 5 MP का फ्रंट कैमरा है। तो इसके स्पेक्स को देखते हुए इसकी प्राइस 6,000 से 7,000 के बीच में रहने वाली है। तो आप पहली बार कोई फोन यूज करना चाहते हैं तो इस प्राइस में ये काफी अच्छा फोन है। और अगर आप गेमिंग बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आपको पता है कि एसुस का ROG 2 फोन काफी पावरफुल फोन था, बहुत ज्यादा सेल हुई थी उसकी, अच्छा जबरदस्त फोन था। तो आपको बता दूं 22 जुलाई को एसुस ROG 3 फोन लॉन्च हो रहा है। जी हाँ, 22 जुलाई को लॉन्च होने वाला है जिसमें स्नैपड्रैगन का 865+ का प्रोसेसर है। तो ये 22 जुलाई को लॉन्च होगा, बिल्कुल ऑफिशियल डेट है, कंफर्म डेट है। और ROG 3 फोन भी लीक के हिसाब से लग रहा है कि ये बिल्कुल सही प्राइस में लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप बहुत ही गेम के लवर हैं, गेम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ROG 3 का आप जरूर से वेट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से काफी सही प्राइस में हमें देखने को मिलेगा। और दोस्तों अब बात करते हैं जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजन की सेल डेट का। तो मैं फ्लिपकार्ट की सेल का कंफर्म डेट मुझे नहीं पता, इसलिए मैं नहीं बता सकता, लेकिन अमेजोन पे सेल का कंफर्म डेट आ चुका है। जी हाँ, अभी मैं जिस टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो बिल्कुल कंफर्म ऑफिशियल डेट आई है। दोस्तों वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा कि 6 अगस्त से 11 अगस्त तक सेल चलेगी, जो ग्रेट इंडियन सेल होगी। हो सकता है सेल नाम चेंज कर दिया जाए, ग्रेट इंडियन की बजाय और भी हो सकती है, लेकिन 99% ये ग्रेट इंडियन सेल ही होगी। और मोबाइल के लिए खास करके आपको डिस्काउंट वगैरह देखने को मिलेंगे। इसमें 6 अगस्त से 8 अगस्त तक जिनके पास अमेजोन की प्राइम मेंबरशिप है उनके लिए सेल होगी, 8 अगस्त से 11 अगस्त तक सबके लिए सेल होगी। तो इसमें जो अमेजोन पर बिल्कुल जो नए फोन लॉन्च हुए हैं उन पे आपको डिस्काउंट वगैरह शायद से देखने को ना मिले, लेकिन बैंक ऑफर जरूर से मिलेगा। लेकिन जो कुछ पुराने फोन हो चुके हैं उन पे आपको डिस्काउंट जरूर से देखने को मिलेगा, प्राइस कट देखने को मिलेगा, बैंक का ऑफर भी देखने को मिलेगा। जरूर से आप इस सेल का वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।